मेरे सेयन वॉरियर्स, मेरी आज तक की यूट्यूब की जर्नी प्लस वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज अमेज़न में काम करते वक्त मैं काफी डिफरेंट टाइप के सक्सेसफुल मिलियनर्स से तो मिला, बट उन सब में 6 से 7 चीजें ऐसी कॉमन देखी मैंने जो अगर आप भी अडॉप्ट करते हो या फिर आप में अगर ऑलरेडी होंगी तो आपको सुपर सक्सेसफुल मिलियनर बनने से कोई नहीं रोक सकता। आज की वीडियो में हम डिटेल में उसी की बात करेंगे और वीडियो के बिल्कुल एंड की स्पेशल बोनस टिप में आपको मैं वो बिगेस्ट साइंस भी बताऊंगा जो आपको हमेशा अनसक्सेसफुल पुअर माइंडसेट वाला रखेगा। तो ये जबरदस्त वीडियो पूरी एंड तक जरूर देखना। पॉइंट फर्स्ट, दे आर सेल्फ अवेयर। पर्सनली मेरा ये मानना है कि सेल्फ अवेयरनेस आज के वर्ल्ड में लिटरली एक सुपर पावर की तरह है जो एक सक्सेसफुल बंदे में होती ही होती है। सेल्फ अवेयरनेस बेसिकली एक ऐसी क्वालिटी है जिसमें आप जानते हो कि आप किन चीजों में अच्छे हो और किन चीजों में आप उतने अच्छे नहीं हो, तो आपको सीखने की और मेहनत की जरूरत है। ये पर्टिकुलर ट्रेट इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये लाइफ के हर फेज में आपके काम आएगा। पर्सनली मेरी लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजंस में मेरे सेल्फ अवेयरनेस ने मेरे को बहुत हेल्प करी है। बट आप सेल्फ अवेयरनेस कैसे डेवलप कर सकते हो? उसका फर्स्ट स्टेप है बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ नो मैटर व्हाट। सेकंड है हमेशा नई चीजें करते रहो। जितने डिफरेंट एक्सपीरियंस होंगे उतने आप खुद को जानते जाओगे। थर्ड है अपने आसपास ऐसे फ्रेंड्स, ऐसे रिलेटिव्स रखो जो आपको हमेशा सच ही बताएं, झूठी तसल्ली ना दें। और फोर्थ है फोर्स योरसेल्फ टू चेंज। एक ही पर्टिकुलर चीज करते रहोगे, अपने शेल में बैठे रहोगे, तो ज्यादा एक्सपीरियंस्ड सेल्फ अवेयर नहीं बन पाओगे। इसलिए इस चीज को डेवलप करो क्योंकि सेल्फ अवेयरनेस इज अ की टू सेल्फ मास्टरी। पॉइंट सेकंड, मिलियनेयर्स आर इनक्रेडिबली ड्रिवन। रियली सक्सेसफुल जो लोग होते हैं वो अपने गोल्स के पीछे पागल होते हैं। वो अपनी स्लीप पार्टीज और बैड कंपनी सब कुछ सैक्रिफाइस कर सकते हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। और कमाल की बात ये है कि उनको ये सब करने के लिए एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। उनके अंदर ही वो सक्सेसफुल होने की एक मैसिव चेंज लाने की आग होती है जिस वजह से वो रोज मेहनत करते हैं। आप भी धीरे धीरे करके वो हार्डवर्क करने की स्किल खुद के अंदर डेवलप करो। कई बार चीजें बहुत हार्ड होंगी, कई बार चीजें स्मूथ हो जाएंगी। आपको बस अपना फोकस नहीं डेविएट करना है क्योंकि अ सक्सेसफुल वॉरियर इज द एवरेज मैन विद लेजर लाइक फोकस। पॉइंट थर्ड, दे हैव अ लर्नर्स माइंडसेट। अब जैसा मैंने बताया, मिलियनेयर्स ऑब्सेस्ड होते हैं मैसिव ग्रोथ और सक्सेस से, इसलिए वो काफी डिफरेंट सोर्सेज से जैसे कि बुक्स, पॉडकास्ट या फिर उनके साथ वाले लोगों से वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन गेन करते रहते हैं ताकि वो डेली बेसिस पे बेटर बनते जाएं, क्योंकि उनको ये अच्छे से पता है कि रोज थोड़ा थोड़ा 1% चेंज वो खुद के अंदर करते जाएंगे तो वो कुछ मंथ्स में या फिर कुछ ईयर्स में ही उनको वो मैजिकली कंपाउंडिंग रिजल्ट्स दे देगा। आपको भी अगर रियली सक्सेसफुल बनना है तो आप भी वेरियस सोर्सेज का यूज करते हुए डेली बेसिस पे नए आइडियाज, नए पर्सपेक्टिव्स और नॉलेज गेन करते रहो ताकि आप भी सुपर सक्सेसफुल बन सको, क्योंकि लर्निंग इज अ ट्रेजर दैट विल फॉलो इट्स ओनर एवरीवेयर। पॉइंट फोर्थ, दे एम्ब्रेस फेलियर्स। स्कूल में हमको जो भी सिखाया गया था कि फेल होना गलत है, वो रियल लाइफ में बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं है। जो बंदा हाईली सक्सेसफुल होता है वो सक्सेस मिलने से पहले 1000 बार फेल हुआ होता है, फिर उसके बाद प्रॉपर अमाउंट ऑफ विजडम गेन करने के बाद, काफी ज्यादा टफ टाइम्स देखने के बाद वो एक बार सक्सेसफुल होता है जिसे पूरी दुनिया अप्रिशिएट करती है। और यही पर्टिकुलर जर्नी आप सारे सक्सेसफुल लोगों की देखोगे, भले ही फिर वो KFC के फाउंडर, स्टीव जॉब्स, इलॉन मस्क या फिर इवन मेसी भी हो। तो आपकी लाइफ में जब भी छोटे मोटे फेलियर्स हैं उनसे डरना नहीं है, उनको फाइट करके जीतना है, बिकॉज आवर ग्रेटेस्ट ग्लोरी इज नॉट इन नेवर फेलिंग बट इन राइजिंग एवरी टाइम वी फेल। पॉइंट फाइव, दे आर एक्सपर्ट इन वन और टू थिंग्स। आप भले ही एक एवरेज स्टूडेंट हो, एवरेज बंदे हो, बट आपने एक या फिर दो चीजों में खतरनाक मास्टरी करी हुई है तो ट्रस्ट में आप अपने आप में एक बहुत वैल्यूएबल बंदे कहलाओगे। सक्सेसफुल मिलियनेयर्स भी इनिशियली एक चीज को पकड़ते हैं, भले ही फिर वो कोई स्किल हो, आर्ट फॉर्म हो या फिर कोई भी एक XYZ सब्जेक्ट हो, और फिर उस एक चीज में वो जान डाल के मेहनत करते हैं जिससे वो उस चीज में हाईली कॉम्पिटेंट बनते हैं और इस वजह से उनका कॉन्फिडेंस भी ऑटोमेटिकली बढ़ता है। पर्सनली मेरे हिसाब से एक पर्टिकुलर स्किल में एक्सपर्ट होकर कॉन्फिडेंस गेन करने के साथ साथ अच्छे ड्रेसिंग सेंस की वजह से भी आप काफी कॉन्फिडेंट और खुद के अंदर विश्वास करने लगते हो। और आपको तो पता है अपना पूरा चैनल इसी पे बेस्ड है, तो अपनी स्किल के साथ साथ अपने ड्रेसिंग सेंस पे भी जरूर से ध्यान देना। पॉइंट सिक्स, दे कीप देयर पर्सनल प्रॉब्लम्स एंड गोल्स असाइड। प्रोबेबली इस दुनिया में ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जिसकी लाइफ में डिफिकल्टीज, प्रॉब्लम्स नहीं रही होंगी कभी, बट एक सक्सेसफुल मिलियनेयर्स को एवरेज बंदे से क्या चीज अलग करती है कि वो भले ही बोर हो, खुश हो, दुखी हो, गुस्से में हो या फिर आलस में हो, वो मन को स्ट्रॉन्ग करके सेम एफर्ट के साथ एक हैबिट की तरीके से डेली बेसिस पे काम करेंगे। आपकी खुद की भी एक राइट डायरेक्शन में डेली की मेहनत आपको नेक्स्ट लेवल मैसिव सक्सेस दिला सकती है। बस ये ध्यान रखना कि मोटिवेशन इज व्हाट गेट्स यू स्टार्टेड एंड हैबिट इज व्हाट कीप्स यू गोइंग। पॉइंट 7, दे अडैप्ट क्विकली। अब क्योंकि मिलियनेयर्स डिफरेंट सोर्सेज से, बुक्स से नॉलेज गेन करते रहते हैं, तो कोई भी सुपर यूजफुल नया आइडिया या फिर माइंडसेट उन्हें अच्छा लगता है तो वो टाइम रहते उस पे एक्शन लेते हैं। ऐसे ही क्विकली नई नई लेटेस्ट चीजों को अडैप्ट करने की वजह से वो अपने कॉम्पिटिशन को बीट कर पाते हैं और खुद
के अंदर एक यूनिकनेस जनरेट कर पाते हैं आपको खुद को भी एक मैसिव लेवल की सक्सेस अचीव करने के लिए कई सारी चीजों में अपने पुराने ओल्ड माइंडसेट हैबिट्स को छोड़ते हुए नई बेटर चीजें अडॉप्ट करते रहना जरूरी है। अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना जरूरी है ताकि आप भी नेक्स्ट लेवल सक्सेसफुल बन पाओ, इसलिए क्योंकि ग्रेट थिंग्स नेवर कम फ्रॉम कंफर्ट जोन। फाइनली वीडियो की बोनस टिप की दो बिगेस्ट लूजर माइंडसेट्स में फर्स्ट है दूसरे जब सक्सेसफुल हो तो उनको हेट करना बट खुद कुछ मत करना। अब देखो मैं मानता हूँ कि जेलेसी एक कॉमन ह्यूमन नेचर है बट यार जब तक खुद की लाइफ चेंज करने के लिए एफर्ट नहीं करोगे तो आप हमेशा लूजर ही कहलाओगे। और नंबर सेकंड, सब कुछ अपने लक पे, मनी प्रॉब्लम्स पे और सरकमस्टेंसेस पे डाल देना। फेमस मिलियनेयर्स में और सेलिब्रिटीज में ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो हम जिस सिचुएशन में हैं उनसे भी काफी वर्स्ट सिचुएशन से उठ के आए हैं बस क्योंकि उनमें जीतने की एक जबरदस्त आग थी। वही आग आप खुद के अंदर भी पैदा करो। और वीडियो में मेरे बताए हुए कोई भी असेंशियल क्लोदिंग पीसेस अगर आपको परचेज करने हैं तो आप स्क्रीन पे व्यू प्रोडक्ट्स ऑप्शन पे क्लिक करके उनको चेकआउट कर सकते हैं। और हाँ, इन्फॉर्मेटिव रील्स देखने के लिए भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना।